सब्सक्राइब कीजिए सुमित ऑनलाइन क्लासेस को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। सुमित ऑनलाइन क्लासेस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 77। ए बी सी तीन पार्टनर है, 1 अप्रैल 2009 शेयर जो प्रॉफिट करते हैं लॉस रेशियो क्या है उनकी, 5:3:2। ए क्या देता है, गारंटी देता है किसको, सी को, कि जो आपका प्रॉफिट रहेगा वो प्रॉफिट कब का, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद भी जो आपको प्रॉफिट मिलेगा ना वो भी नॉट लेस देन 15,000 इन एनी ईयर, तो 15,000 से कम नहीं होगा, अगर कम होगा तो इसकी गारंटी कौन ले रहा है, ये ए ले रहा है, तो ए क्या है पर्सनली इसके लिए लाइबल रहेगा। लिखा है कैपिटल कितनी लगाई है उन्होंने, ए ने लगाई है 1,60,000, बी ने लगाई है 1 लाख और सी ने कितनी लगाई है 80,000। प्रॉफिट लिखा है ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 79,500 बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें चार्ज नहीं किया गया है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दो। तो अब क्या करोगे आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करो सबसे पहले, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा आपका, 2 जीरो काट दो, ठीक है ये काट देते हैं 2 जीरो, तो आपका 1% कितना आ जाएगा, 1% आ जाएगा आपका 1,600, और 5% चाहिए आपको कितना हो जाएगा ये 8,000, ठीक है। बात करें फर्स्ट के अंदर कितना हो जाएगा 8,000, नेक्स्ट के अंदर कितना हो जाएगा ये आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 5,000, ठीक है। नेक्स्ट में कितना हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 4,000, ठीक है। अब क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट कितना है आपका 79,500, यहाँ क्या लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसको देंगे ये, ए को, बी को और सी को, ए को कितनी जाएगी 8,000, बी को कितनी जाएगी 5,000, सी को कितनी जाएगी 4,000, तो टोटल करो इनका 8 और 4 12, 12 और 5 17, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 17,000, यहाँ क्या लिखेंगे ए बी सी, यहाँ भी क्या लिखेंगे ए बी और सी, यहाँ क्या लिखेंगे बाय बैलेंस बी डी। अब की बार हमारे कैपिटल दे रही है क्वेश्चन के अंदर 1,60,000, 1 लाख, ठीक है। नेक्स्ट कितनी है हमारे पास 80,000, ठीक है। उसके बाद हमारे को क्या मिला, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला ये 8,000, नेक्स्ट में कितनी है 5,000, नेक्स्ट कितना है 4,000, ठीक है। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर लो, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कौन है यहाँ पर, गारंटी देखो कौन दे रहा है, गारंटी दे रहा है ए, किसको दे रहा है सी को, तो ए गारंटी दे रहा है, ए के बीच में गैप छोड़ देंगे, बी कोई गारंटी नहीं देता है, उसके पास सी को गारंटी मिल रही है तो सी के बाद गैप छोड़ देते हैं, ठीक है। अब प्रॉफिट कितना बचा है आपके पास, प्रॉफिट था 79,500, इसमें से कितना माइनस हो चुका है 8,5,4, कितना हो चुका है ये 17,000 माइनस हो चुका है, तो कितना रह जाएगा 79,500 में से 17,000 आपका चला गया, तो मेरे पास जो बचेगा वो बचेगा 62,500, और इसको किस रेशो में बांटना है आपने, ये बांटना है आपने 5:3:2 में, तो 5 और 3 8 और 2 10, तो डिवाइड करोगे इसको 10 से तो कितना आ जाएगा 6,250, ये किसके अंदर आ जाएगा, एक पार्ट में दो पार्ट किसको मिलेंगे, ये मिलेंगे सी को, ठीक है। तो 6,250 इंटू टू कितना आ जाएगा 12,500, 12,500। नेक्स्ट अगर हम बी की बात करें, बी को कितने मिलेंगे, ये बी को मिलेंगे 3 हिस्से, 6,250 इंटू 3 कितना आ जाएगा, ये मिल जाएंगे इसको 18,750। अगर हम बात करें ए की, ए को कितने मिलेंगे 6,250 इंटू कितना हो जाएगा ये 5, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 31,250, ठीक है। अब मिले कितने सी को, सी को मिले 12,500, और मिलने की गारंटी कितनी दी गई थी इसको, प्रॉफिट दिया गया हुआ था 15,000, तो 15,000 में से 12,500 मिल चुके हैं, रहते कितने हैं 2,500, और ये कौन देगा, गारंटी किसने दी थी, गारंटी दी थी यहां पर ए ने, तो ए देगा,
कितने देगा? माइनस कर देते हैं 2C की फेवर में, कितने देगा ये? 2500 देगा, ठीक है ना। और ये फ्रॉम ए, ए से कितने मिल जाएंगे इसको? 2500। तो यहाँ पर ये कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके 15,000, ये कितने हो जाएंगे आपके 18,750, और ये 250 इसमें से माइनस हो जाएंगे। अगर 3,250 में से 2500 माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आंसर आता है? 28,750। अब टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 7,9,500। ये कितना आ जाएगा? 7,9,500। यहाँ क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा आपके पास? 28,750। सेकंड केस के अंदर कितना आ जाएगा? 18,750। और थर्ड केस के अंदर कितना आ जाएगा? 15,000। आप इसकी टोटल करो कितना है स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में था आपका 80 लाख, ठीक है, 80,000। तो 80,000 प्लस कितना करोगे? 4,000 प्लस कितना करोगे? ये कितना है आपका? 15,000 प्लस कितना करोगे? 15,000, ठीक है। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 99,000। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 99,000। यहाँ क्या लिखेंगे? टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना आ जाएगा? 99,000। अगर सेकंड केस की बात करें, 1 लाख प्लस 5,000 प्लस 18,750, ठीक है। तो मेरे पास कितना आएगा? 1,23,000 और ये 750। ये कितना आ जाएगा? 1,23,750, 1,23,750, ठीक है। और फर्स्ट केस के अंदर कितना आ जाएगा आपका? 1,60,000 कैपिटल थी, 8,000 का आपको इंटरेस्ट कैपिटल मिल गया, ठीक है। उसके बाद आपको 28,750 की क्या मिल गई? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से अमाउंट मिल गया। तो आपके पास टोटल अमाउंट कितना हो गया? 1,96,750, 1,96,750, 1,96,750। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को ट्राई करना है, ठीक है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव या कोई शिकायत है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपडेट करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।